सिर्फ डीडी नेशनल पर, इंडिया का अपना चैनल। हुनरबॉज सीजन 5 पावर्ड बाय स्किल इंडिया मिशन एंड प्रेजेंटेड बाय बैंक ऑफ बड़ौदा, भारत का अंतरराष्ट्रीय बैंक। कोशिश हमारी, सफलता आपकी। बैंक ऑफ बड़ौदा। सच कहूं तो सक्सेस क्या है? क्या ये वही चीज है जो लोग आपके बारे में सोचते हैं, या वो चीज है जो आप खुद के बारे में सोचते हैं? सक्सेस को मेजर करने का सही तरीका क्या है जी? क्या ये लोगों की उम्मीदों पे खरा उतरना है, या कोई ऐसा मुकाम हासिल करना है जिसकी लोगों ने आपसे उम्मीद भी ना की हो? थिंक, क्योंकि प्रमोशंस, कॉम्प्लीमेंट्स, सैलरीज, ये सब टेम्पररी है, आज हैं कल नहीं, बट थिंग्स ऑफ वैल्यू लास्ट फॉरएवर। और याद रखें, यहाँ वैल्यू सिर्फ उस चीज़ की नहीं है जिसे आपने बनाई है, बल्कि बनाने वाले की है, यानी आपकी है। सही मायनों में सफलता तब है जब लोग आपको आपकी एबिलिटीज, आपकी काबिलियत के लिए इम्पोर्टेंस दें। दैट्स वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि इसी से आप लाइफ में ग्रो करते हैं। ट्रस्ट मी, योर एबिलिटी इज मोर इम्पोर्टेंट देन योर प्रोडक्ट, सो ट्रस्ट योर एबिलिटीज, ऑलवेज हैव कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ, क्योंकि हुनर है तो कदर है। और हुनर जहां से भी आवाज लगाता है, हुनरबाज वहां पहुंच ही जाता है, फिर चाहे रास्ते कितने भी कठिनाइयों से भरे ही क्यों ना हो। जैसे इस बार हमारा कारवां बढ़ चला मध्य प्रदेश के ट्राइबल एरिया में, जो है झाबुआ। इंदौर से इसकी दूरी करीब 150 किलोमीटर है। अपने हुनरबाजों की खोज करते हुए हम शहर की चौड़ी सड़कों से चलते चलते कब कच्चे संकरे रास्तों पर पहुंच गए हमें पता ही नहीं चला। वजह थी यहाँ का खुशनुमा मौसम और चारों तरफ हरा भरा माहौल। यहाँ के आदिवासी अपनी आजीविका चलाने के लिए मुख्य रूप से खेती किसानी पर निर्भर रहते हैं, लेकिन आज के समय को देखते हुए ये जरूरी है कि हुनर और स्वरोजगार के नए नए रास्ते युवाओं के लिए खोले जाएं, जिसके लिए सिर्फ शहरों में ही नहीं बल्कि झाबुआ जैसे छोटे से आदिवासी इलाके में भी हर मुमकिन कोशिश कर रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा। जो हमारी सरकार के द्वारा मंशा की गई है कि यहाँ के निवासियों को हाथ का हुनर सिखाना, उनको ऐसा प्रशिक्षण देना जिसके लिए वो किसी के ऊपर निर्भर ना होकर स्वयं अपना कार्य कर सकें और उससे अपनी आजीविका कमा सकें, और इसके साथ साथ उस प्रशिक्षण के साथ अपना कार्य जब वो लोग करें तो अन्य लोगों को भी अपने यहाँ पर रोजगार प्रदान करें, ये बड़ौदा स्वरोजगार विकास संस्थान का मुख्य उद्देश्य है। इस उद्देश्य की सार्थकता हमें तब नजर आई जब हमारी टीम BSVS से ट्रेनिंग किए हुए हुनरबाजों से मिलने झाबुआ के अलग अलग गाँव में पहुंची। हमने BSVS इंस्टीट्यूट से वहाँ से ट्रेनिंग प्राप्त की, प्लम्बरिंग की। प्लम्बिंग का काम इसलिए करना चुना कि उसमें कोई ज़्यादा लोड लेने की कोई दिक्कत नहीं है उसमें। जब से प्लम्बिंग में जाना शुरू किया ना, तब से थोड़ा अच्छा लगता है कि हम कुछ कर रहे हैं, ऐसा कुछ महसूस होता है। एक दिन में 300-400 रुपया कमा लेते हैं। 3 महीने में सर ने हमको इतना कुछ सिखा दिया कि आज हम खुद कर सकते हैं, अपने पैर पे खड़े हो सकते हैं, मतलब दूसरे के पास काम करने की जरूरत नहीं, खुद काम रख सकते हैं। राजेश जी, अपने काम के तो अपने ही फायदे होते हैं, आप जितनी मेहनत करेंगे उतना आगे बढ़ेंगे, और आपका ये प्लम्बिंग का काम हर इंसान के बस की बात नहीं है, और ये बात हमारे सनी को भी खूब समझ आई। कैसे, जरा उन्हीं से सुनिए। कुछ समय पहले मेरे घर का एक नल खराब हो गया। अब बंद होने के बावजूद उसमें से लगातार पानी टपके जा रहा था। मैं ठहरा पर्यावरण प्रेमी, सेव वाटर, तो मैंने सोचा छोटा सा काम है, क्यों ना खुद ही कर लिया जाए। तो मैंने कुछ औजारों को इकट्ठा किया और उन औजारों की मदद से मैंने नल को खोल दिया। भाई साहब, नल को खोल तो डाला, लेकिन जब बारी उसे वापस सही तरीके से बिठाने की, फिट करने की आई, तो टाइटाई फिश। बहुत मेहनत करने के बावजूद भी मेरे हाथ लगा तो क्या, ठेंगा। आखिरकार मैंने हार मानकर प्लम्बर को बुला ही लिया, और प्लम्बर ने आते ही ऐसे चुटकियों में, मिनटों में नल को सही तरीके से बना दिया।
लेकिन इसके लिए उसने अच्छा खासा चार्ज भी लिया। लेकिन एक बात उस दिन मेरे समझ में आ गई, जिसका काम उसी को साजे, कोई दूसरा करे तो ठेंगा बाजे। एक प्लम्बर के काम की अहमियत का एहसास मुझे उस दिन हो गया। तो चलिए इसी काम को थोड़ा और गहराई में, डिटेल में समझते हैं एक कॉम्पिटिशन के जरिए, जिसके लिए हम आ पहुंचे हैं BSVS झाबुआ मध्य प्रदेश में। आज का हमारा कंपटीशन है प्लंबिंग का, और इसके लिए मैं इनवाइट करता हूं मिस्टर अजय अवस्थी, डायरेक्टर BSVS झाबुआ। हेलो सर, वेलकम टू हुनरबाज मिशंस के लिए। और इस कंपटीशन को जज और मेंटर करेंगे मिस्टर KN दास भाई, जोरदार तालियां इनके लिए। हेलो सर, वेलकम टू हुनरबाज मिशंस के लिए इंडिया। थैंक यू सो मच। तो इस कंपटीशन में दो टीम्स पार्टिसिपेट कर रही है, टीम कमाल एंड टीम धमाल। हर एक टीम में दो दो कंटेस्टेंट्स होंगे, तो चलिए बुलाते हैं टीम कमाल से हमारे पहले कंटेस्टेंट विशाल बारिया को। नमस्ते। और हमारे दूसरे कंटेस्टेंट राजेश मचार, प्लीज जोरदार तालियां। टीम धमाल से आ रहे हमारे पहले कंटेस्टेंट सगन सिंह। एंड टीम धमाल से ही हमारे दूसरे कंटेस्टेंट रमेश गामड। तो टीम कमाल और टीम धमाल दोनों ही हमारे साथ मौजूद है, तो चलिए बात करते हैं हमारे कंटेस्टेंट से। सबसे पहले टीम कमाल, क्या लगता है आप इस कंपटीशन के लिए तैयार है? बिल्कुल सर, तैयार है। आप इस कंपटीशन को जीतेंगे? बिल्कुल, पूरी तरह से 100% विश्वास है हमको, हम ही जीतेंगे, हम ही ले जाएंगे। भाई क्या बात है, इनके लिए जोरदार तालियां। क्योंकि उनके अंदर डर दिख रहा है मुझे। आपको उनके अंदर डर दिखाई दे रहा है, और आपके अंदर ऐसा क्या खास है कि आप इस कंपटीशन को जीतेंगे? क्योंकि सर मैं कोई भी काम करता हूँ तो निडर होके करता हूँ। अच्छा, निडर होके करते हो, लीडर बन जाते हो? हाँ सर। अरे वाह, क्या बात है। तो देखते हैं भाई इस कंपटीशन को आप लीड करते हो या फिर कमाल जो है वो अपना कमाल दिखा जाती है। तो चलिए समझ लेते हैं कि इस कंपटीशन का टास्क क्या है। आज के टास्क में सिलेक्टेड दोनों टीम्स को सिर्फ 30 मिनट्स के अंदर वाटर टैंक में इनपुट और आउटपुट कनेक्शन देकर वाटर सप्लाई शुरू करनी है, यानी इन्हें वाटर पंप और पाइप की मदद से पानी पहले वाटर टैंक तक पहुंचाना है और उसके बाद एक आउटलेट पाइप के जरिए नल से कनेक्ट करके पानी की सप्लाई शुरू करनी है। हमारे आज के जज और BSVS के मेंटर KN दास जी बारीकी से देखेंगे कि कौन सबसे कम समय में पूरे परफेक्शन से काम करता है। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे क्राइटेरियाज है जिन पे इनको जज किया जाएगा, और जो टीम इस पे एकदम खरी उतरेगी वो बनेगी इस कंपटीशन की विनर। कंटेस्टेंट्स आप लोग समझ गए क्या करना है? जी सर, समझ गए। तो चलिए देखते हैं कि इस कंपटीशन में टीम कमाल करती है कितनी धमाल और टीम धमाल दिखाती है कितना कमाल। भाई यही तो है सबसे बड़ा सवाल। टीम्स तैयार हैं आप लोग? तैयार सर। और आपका समय शुरू होता है अब। जोरदार तालियां। विशाल और राजेश निकल पड़े हैं अपने टास्क को शुरू करने। जहां एक तरफ विशाल नीचे रहकर वाटर पंप से पानी की सप्लाई इस पिंक पाइप के जरिए इनलेट पाइप तक पहुंचाने में जुटे हैं, वहीं दूसरी तरफ राजेश भागकर पहुंच गए हैं छत पर। पर भागते भागते सारे जरूरी औजार और बाकी सामान उठाकर निकले हैं राजेश या नहीं? भाई अलग अलग रहकर भी राजेश और विशाल को अपना अपना काम सही ढंग से करना होगा। जितना अच्छा होगा इनका कोऑर्डिनेशन और कनेक्शन, उतना ही होगा काम में परफेक्शन। इसी का तो नाम है टीम वर्क। भाई विशाल ने तो फटाफट पंप से पाइप को कनेक्ट कर दिया, पर राजेश छत पर क्या कर रहे हैं? राजेश भैया आया कि नहीं पाइप ऊपर? मिस्टर दास, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ टीम कमाल अभी उनके हाथ में कुछ मेजरिंग टेप है, डिफरेंट डिफरेंट पाइप के पीसेस पड़े हुए हैं, कुछ जॉइंट्स है, सॉल्यूशन है, ये कर क्या रहे हैं?
ये एक्चुअल में ये लोग इनपुट कनेक्शन कर रहे हैं जो आधा इंच का पाइप लिया है इन लोगों ने और एल्बो लिया है और सॉल्वेंट लिया उनको ज्वाइन करके इनपुट टैंक के अंदर इनलेट दे रहे हैं। ओके, तो ये टैंक जो यहाँ पे रखा हुआ है उसके अंदर इनलेट दे रहे हैं। जी जी, नीचे से कनेक्ट कर रहे हैं पाइप को। जी जी जी, और जिस तरीके से वो काट रहे हैं क्या सही सही काट रहे हैं इसे? जी बिल्कुल भी सही काट रहे हैं। बातों ही बातों में राजेश ने इनलेट पाइप तैयार कर दिया है। भाई इसी पाइप से तो पानी टैंक तक पहुंचेगा। ये देखिए पाइप दीवार से फिट हो चुका है। सीधा कर लो, एल्बो को सीधा कर लो तुम। हाँ लगा दो उसमें। और अब विशाल ने फुर्ती से पंप से आने वाले इस पिंक पाइप को इनलेट पाइप से कनेक्ट भी कर दिया। क्या बात है, ये तो बड़ा टाइम से अपना टास्क कर रहे हैं। कौन कहेगा कि ये काम इन्होंने BSVS की मात्र एक महीने की ट्रेनिंग से सीखा है। ये है BSVS का कमाल। भाई कमाल ही हो गया। बस आ जाओ फटाफट, दौड़ लगा कर। टास्क के 10 मिनट निकल चुके हैं और विशाल भी अब निकल चुके हैं अपने पार्टनर राजेश की हेल्प करने छत पर, जहां इन्हें इनलेट पाइप को टैंक से कनेक्ट करना है और फिर आउटलेट पाइप और नल की फिटिंग करनी है। भाई अभी तो आधा रास्ता ही तय हुआ है। टीम कमाल। यस सर। क्या चल रहा है भाई? इनपुट कर रहा है सर टंकी में। टंकी का इनपुट कर रहा है सर। ये क्या है ये जो आपने लगाया सर? ये टैंक निप्पल है सर। टैंक निप्पल है और ये? ये भी टैंक निप्पल है। ओके, तो दो अलग अलग क्यों? ये ओवरफ्लो के लिए, ये इनपुट के लिए सर। जो ओवरफ्लो के लिए टंकी भर जाता है उसके बाद जो भरने के बाद पानी निकलता है बाहर, ओवरफ्लो बाहर हो जाता है। ओके, टाइम ज्यादा बचा नहीं है आपके पास, आप देख पा रहे हैं घड़ी मेरे हाथ में। हाँ सर। इसके बाद क्या करना बचा है आपके लिए? इसके बाद सर आउटपुट लाइन डालनी है। ओके, टैंक ये क्या लगा रहे हैं आप? ये सॉल्वेंट सर, UPVC सॉल्वेंट। ओके, हम UPVC पाइपों का ही इस समय पूरा उपयोग कर रहे हैं सर। ठीक है, ये कितनी देर में सूख जाता है सर? इसको सूखने में लगभग टाइम 15-20 मिनट चाहिए। भाई जितना टाइम इस जोड़ को सुखाने में लगेगा बस उतना ही टाइम है आपके पास पूरा टास्क खत्म करने के लिए। ये तो आपने कॉक दिया हुआ है, ठीक है सर। ये क्या आउटपुट दिया हुआ है यहाँ से? ये किस लिए? एयर के लिए। एयर के लिए। हाँ, कभी एयर बन जाता है तो एयर देना पड़ता है ऊपर से पानी, ताकि स्पीड से जाए। अच्छा। हाँ सर। हाँ हाँ, पानी स्पीड से आएगा लेकिन आपको भी अपने काम की स्पीड जरा बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि समय रह गया है अब बस 5 मिनट। भाई देखने से लग रहा है इनका सारा काम फिनिश हो चुका है। ये चले राजेश नीचे मोटर को स्टार्ट करने। अब देखते हैं टंकी में पानी आता है या नहीं। ये हुई मोटर स्टार्ट तो ये आया टंकी में पानी, यानी इनका इनलेट कनेक्शन तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन अब बारी है आउटलेट कनेक्शन चेक करने की, यानी नल से पानी बाहर निकालने की। Contestants, पानी आ चुका है। आ गया सर। कैसी फीलिंग है? अच्छा है सर, बहुत अच्छी है। पानी आ गया, हमने इतना मेहनत किया और ऊपर भाई कमाल की बात है, बहुत अच्छा परफॉर्म किया है आप लोगों ने। ठीक है, अब क्या होगा, कंपटीशन का अंजाम क्या है ये तो किसी को नहीं पता। हाँ सर। ये है हमारी टीम कमाल, तो अब देखते हैं कि धमाल टीम के नल में से पानी आता है या क्या होता है। लेट्स वेट एंड वॉच। एक टीम का टास्क खत्म हो चुका है और अब बारी आ गई है टीम धमाल की, और ये चले सघन और रमेश पूरी फुर्ती के साथ अपने काम का मोर्चा संभालने। भाई रमेश तो बड़े ही तेज निकले, उन्होंने फटाफट मोटर पंप से पिंक पाइप को कनेक्ट कर दिया है। लेकिन सघन कहां मगन हो गए। सघन पहुंचा क्या? फाइनली सघन ने छत से पाइप तैयार करके रमेश तक पहुंचा दिया, लेकिन इनके काम करने के तरीके को देखकर सनी के मन में उठे कुछ सवाल, जिसका जवाब जानने वो पहुंचे मेंटर के पास। मिस्टर दास, ये बताइए कि ये जो टास्क परफॉर्म कर रहे हैं जी, इसमें नॉर्मली ग्लव्स,
या फिर सेफ्टी ग्लासेस, इन सब की चीजों की जरूरत पड़ती है? जो काम ये लोग अभी कर रहे हैं जी, इसके लिए नॉर्मल है आजकल जो है सीपीपीसी यूपीपीसी है, तो इसमें आवश्यकता नहीं है। okay. और जो ये लोग सॉल्वेंट भी यूज कर रहे हैं तो उतना हार्मफुल नहीं है ना, बॉडी को कोई नुकसान नहीं करता है। ओके, तो ये जो सॉल्वेंट है वो स्किन फ्रेंडली है। हाँ, इसीलिए ग्लव्स का इस्तेमाल ना करे तो चलता है। हाँ, ना करे भी चलता है। ओके, तो सनी का टेंशन तो दूर हो गया, पर हमारे पार्टिसिपेंट्स का टेंशन बढ़ता ही जा रहा है क्योंकि समय हाथ से निकलता जा रहा है। गगन सिंह, क्या कर रहे हैं आप? ये सर रिड्यूसर लगा रहा हूं। रिड्यूसर लगा रहे हो, उसके बाद नल लगाएंगे? हाँ। लेकिन आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है। कैसे? अभी आप नल लगाएंगे, उसके बाद उसका पानी ऑन करेंगे, पानी टंकी में भरेगा, पानी टंकी से भर के यहाँ पे आएगा। चलिए चलिए, फटाफट हाथ चलाइए। टैप फिट हो चुका है और सघन पहुंच चुके हैं नीचे मोटर पंप को ऑन करने। क्या हुआ? पावर नहीं। भाई सघन, पावर तो है, हो सकता है आपके कनेक्शन में प्रॉब्लम हो, जरा चेक कर लीजिए। मोटर चालू नहीं होगी तो पानी आएगा कैसे? हम तो इंतजार करके खड़े हैं कि कब पानी आएगा। भाई नल तो ऑन रखा है आपने? हाँ ठीक है, नल तो ऑन है। वहां से कॉक ऑन किया है? ठीक है। सगन सिंह आ गए, क्या लग रहा है कितनी देर में आएगा, कितना इंतजार करवाएंगे? बस कुछ ही समय में पानी आने वाला है। भाई सगन का ये कॉन्फिडेंस इसलिए है क्योंकि पहले गलत किए गए पावर प्लग के कनेक्शन को उन्होंने अपने हुनर से ठीक कर दिया है। आपका टाइम भी कुछ ही समय में खत्म होने वाला है, तब तक तो पानी आ ही जाएगा। चलिए, आप तो कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। क्या बात है भाई, क्या बात है, एक बार टीम धमाल के लिए जोरदार तालियां। भाई पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए, पानी बहुत ही कीमती होता है। और अब समय भी वेस्ट नहीं करते हैं। जो सबसे पहले कॉम्पिटिशन की शुरुआत में हमने सवाल किया था कि कमाल दिखाएगा क्या धमाल और धमाल टीम करेगी क्या कमाल, बस यही तो है सबसे बड़ा सवाल, और उस सवाल का जवाब अब मिलने की बारी आ चुकी है। तो चलिए चलते हैं जजमेंट की ओर, लेट्स गो। भाई क्या कमाल और धमाल का परफॉर्मेंस दिया है दोनों ही टीम्स ने, गजब का कंपटीशन रहा, बहुत ही नेक टू नेक, बहुत ही कट टू कट कॉम्पिटिशन था। लेकिन अब फाइनल डिसीजन हमारे पास है और वो टीम जो कि इस कंपटीशन का विनर है, वो टीम जो इस कंपटीशन की विनर बनी है वो है टीम कमाल। तारों को छू के आने का कांग्रेचुलेशंस, वेल डन, कांग्रेचुलेशंस। अंबर जमी पे लाने का यही सपना है कि बहुत बड़ा प्लम्बर बनना है सर, बहुत बड़ा, मतलब आ गया था। BSVS झाबुआ को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं सर, उनकी वजह से आज कैमरे के सामने भी आने का बहुत बड़ा मौका मिला, कभी इससे पहले कभी कैमरे के सामने नहीं आया था सर, सबसे बड़ी ये खुशी और सबसे भी उसके साथ में जीत भी मिली है तो बहुत बड़ी खुशी हो रही है। हमसे गलतियां तो हुई है लेकिन हम गलतियों से ही आगे सही करना सीख जाते हैं। बहुत ही अच्छा लगा, हमारे सपने यही है कि हमें बड़े से बड़े काम मिलते जाए और हम करते जाएं। कमाल टीम जो है बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया, उनका ओवरऑल जितने भी उनमें प्लम्बिंग करने का जो रूल्स थे उन्होंने उसको फॉलो किया, उनका जो जितने भी जॉइंट्स वगैरह लगे हुए थे, जितने भी उन्होंने सॉल्वेंट का यूज़ किया, दोनों का जो कोऑर्डिनेशन था वो बहुत बेस्ट था। धमाल टीम का जो जॉइंट्स लगाए थे उन्होंने कई जगह सॉल्वेंट का इस्तेमाल सही ढंग से नहीं किया, कई पाइपों के जॉइंट्स उनका सही तरह से नहीं था और समय भी काफ़ी लिया। मैं इनवाइट करना चाहूंगा मिस्टर सुरेंद्र सिंह लाठर, मुख्य प्रबंधक बैंक ऑफ बड़ौदा झाबुआ शाखा। भाई जोरदार तालियों के साथ सर का स्वागत किया जाए।
Hello, sir. Fine. Thank Welcome you. To Hunnarbaaz Mission Skill India. Thank you very much. झाबुआ का एक ट्राइबल डांस फॉर्म है जो कि पूरे एमपी में बहुत ही ज्यादा फेमस है. तो चलिए इसकी झांकी देखते हैं जिसे प्रस्तुत करेंगी बीएसवीएस की खूबसूरत लिबास में सजी हुई ये खूबसूरत छात्राएं. भाई जोरदार तालियां इन छात्राओं के लिए.